इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ आपके पास में फिर से एक बहुत ही यूनिक और घरेलू और चटपटी रेसिपी को लेकर के। जी हाँ, आज मैं आपको कचौरी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी ये कचौरी, बिल्कुल परफेक्ट हलवाई के जैसे आप घर पे बना सकते हैं। जी हाँ, अब आपको मार्केट जा कर के कचौरी खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप अपने घर पे बिल्कुल हलवाई के जैसे कचौरी बना सकते हैं। और ये जो कचौरी है ये बिल्कुल एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल 6 दालों से बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा और रिफाइंड ऑयल ले लिया है, जिसे हम अपना डो तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है दाल, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, सौंफ ली है, धनिया जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है, और मैंने ले लिया है किशमिश। ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 तरह की दाल लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है हरी वाली मूँग, पीली वाली मूँग, अरहर की दाल, मूँग की मसूर की दाल, चना दाल, और मैंने ले लिया है उड़द की दाल। तो इन 6 दालों से आज हम बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी कचौड़ी घर पे बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैदे से हम अपना डो तैयार कर लेंगे। तो मैं मैदे में लगभग हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और इसका एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी लूज़ ना हो, ना ही ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो, बस एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना जो सॉफ्ट हो। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें धनिया और सौंफ जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था उसे अच्छे तरीके से कर लेना है ब्लेंड। इसे भी हमें दरदरा ही पीसना है, तो मैंने पीस लिया है इसे, बिल्कुल दरदरा ही पीसे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैं गैस पर रख दूंगी एक पैन और उसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल दूंगी और उसमें डाल दूंगी अपने सारे दाल, और हमें इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। इसमें हमें नमक ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से सूख चुका है, थोड़ा ठंडा कर लेंगे इसे। तो ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे कर लेती हूँ ब्लेंड। बिल्कुल दरदरा पीसना है हमें इसे, इसका आप ध्यान रखें। तो ये देखिए अब मैं इसे कर लेती हूँ ब्लेंड। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने इसे दरदरा पीसा है, ऐसा ही पीसना था हमें, तो मैंने इसे पीस लिया है। चलिए अब फिर से गैस पे रख देते हैं एक पैन और उसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तो मैंने रख दिया है गैस पे एक पैन, इसमें ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम अपने किशमिश को उसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे। तो मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बहुत बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे कभी मिस ना करें। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। ये देखिए हमें इसे पका लेना है थोड़ी देर तक, ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो चला जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी दाल, ये देखिए सारे मिक्स दाल को मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें किस तरीके से कोई भी चिल्ली नहीं डाली है, मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली भी ऐड नहीं की थी। अब मैं इसमें डालूँगी कूटी हुई सौंफ और धनिया जो मैंने दरदरा पीस लिया था। इसको डालने के बाद आप इसमें आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून या 1 टी स्पून जितना भी आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर पाउडर डाल दिया है। इसे कर लूँगी मिक्स और इसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, बिल्कुल लो टू मीडियम में से पकाएँ, हाई में ना पकाएँ, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें 1 टी स्पून सॉल्ट डाल दिया है और अच्छे तरीके से कर लिया है इसे मिक्स। नमक आपको स्वाद अनुसार ही डालना है। ये देखिए मैंने इसे निकाल भी लिया है, ठंडा हो चुका है ये। अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल, तो मैंने 3 चम्मच छोटी चम्मच से इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है, और इसे इस तरीके से हमें एक बड़े बर्तन में ले करके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप बॉल्स बना लें, क्योंकि मैंने इसमें बेसन नहीं डाला है, तो हम जब इसे इस तरीके से हाथ में दबाएंगे तो ये नहीं दबते हैं, इसलिए हमें इसमें ऑयल और नींबू का रस डालना बिल्कुल ज़रूरी होता है।
ताकि ये बिना बेसन के ही हम इसके अच्छे से गोल गोल से बॉल्स बना लें। तो मैंने इसके बॉल्स बना लिए हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, हमेशा आपको इस तरीके के बॉल्स बनाने चाहिए जब भी आप कचौड़ी बना रहे हो, तो ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि आपको अपनी स्टफिंग कितनी उसमें डालनी है, तो इसलिए ऐसे बॉल्स ज़रूर बनाएं। तो चलिए, आधा आटा भी हमारा हो गया है सेट, ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो चलिए ले लेते हैं एक लोई और एक इसकी पूरी बेल लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसकी एक पूरी तैयार कर ली है। इसे मोटा ना बेलें, पतला ही बेलें, ताकि आपकी जो कचौड़ी है वो बहुत ही अच्छे बने। अब मैं इसमें रख दूंगी अपने बॉल्स जो मैंने बनाए थे, तो एक स्टफिंग मैं इसमें रख दूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में रख देना है आपको, और हाथों से इस तरीके से मोड़ते हुए इसका मुंह बंद कर लें, और ऐसे घुमाते हुए हम जो इसका एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। ये देखिए, और इसका मुंह फिर से बंद कर देंगे और इसे हथेली में रख करके अच्छे तरीके से कर लेंगे प्रेस, बस इस तरीके से। और इसे थोड़ा हल्के हाथों से फिर से बेल लेंगे। ये देखिए बस ऐसे, इतना ज़्यादा ज़ोर से और दबा के नहीं बेलना है, नहीं तो हमारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। इससे क्या होता है कि हमने जो स्टफिंग डाली है वो चारों साइड में स्प्रेड हो जाती है। ये देखिए, तो इसी तरीके से आपको कचौरी बनानी है, और इसकी थिकनेस भी इतनी ही होनी चाहिए, बहुत भी मोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी कचौरियों को बना लूँगी। ये देखिए, बस हमारे स्टफिंग के जो बॉल मैंने बनाए थे वो बॉल्स को आपको बीच में सेंटर में रख लेना है, और इस तरीके से इसका मुंह बंद कर लेना है, बहुत ही आसान है। और इसे जो एक्स्ट्रा आटा है इसका, इसे हाथ से हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसका मुंह कर देंगे बंद बस, और हल्के हाथों से हथेलियों से दबा लें बस ऐसे, और इसे फिर से हम थोड़ा सा बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के ही हाथों से इसे बेलें ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। ये देखिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कचौरी को बेलना सीख लिया होगा। तो मैंने सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे पका लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म कर लिया था, और इसे बिल्कुल धीरे धीरे से सावधानी के साथ मैं ऑयल में डाल दूंगी। और आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको बिल्कुल ही लो रखना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में भी इसे ना पकाए, नहीं तो ये जल जाएगा और कचौरी हमारी खस्ता नहीं होगी। बस पलट पलट करके हमें इसका ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी जले ना और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा से चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हलवाई के जैसी कचौरी हमारी रेडी हो रही है। बिल्कुल, जब भी आप कुछ अच्छे तरीके से बनाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी कचौरी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है और ये बिल्कुल खस्ता है, ये देखने से ही लग रही है आपको कि ये कितनी खस्ता है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं किचन टॉवल में। मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम में ही पका लिया है, बिल्कुल जल्दबाजी में से ना पकाएं, 5 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे इसे पकाने में, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो कचौड़ी है वो बिल्कुल हलवाई की जैसी बनेगी। ये देखिए, तो मैंने बाकी की भी कचौड़ियों को ऑयल में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। ये देखिए, ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। तो इसी प्रोसेस से आपको सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेना है, बहुत ही आसान है इसे फ्राई करना, बस फ्लेम लो रखें ताकि आपकी कचौड़ी जो है बहुत क्रंची बने। ये देखिए इसकी आवाज़ सुने आप, अगर आपने ऐसी कचौड़ी बनाई है तो बस समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से कचौरी बनाई है, बिल्कुल हलवाई की जैसी इसी तरीके की आवाज़ होनी चाहिए आपकी कचौरी में, तभी हम कह सकेंगे कि हमने जो कचौरी बनाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, बिल्कुल
क्रंची होनी चाहिए, बिल्कुल खस्ता होनी चाहिए। देखिए इसकी फिलिंग भी बहुत ही अच्छे से हमें नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही कचौरी बनाएं जो कि अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे और अच्छे तरीके से पकी हुई हो, और आप अपने घर पे से फटाफट से बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये, क्योंकि इसमें मैंने पांच नहीं छः छः तरह के दालों से इसे बनाया है। तो अपने घर पे से एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी है, और मेरे तरीके से बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो फिर से मिलती हूँ आपसे ऐसी ही आसान सी और घरेलू रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइस।